हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि है राइट इशू के बारे में। राइट इशू का मतलब क्या है? किसी को अधिकार देना, किसी को राइट देना। तो ये राइट क्यों दिए गए, किस चीज के ऊपर राइट दिया गया, आज हम उसकी बात करेंगे। आपके घर में जब भी जीजा जी आते हैं तो किन्होंने उनको राइट दिया कि लेग पीस जो होगा वो उन्हीं को दिया जाएगा? ये राइट दिया ट्रेडिशंस ने, ये राइट दिया मदर इन लॉ ने। जो मदर इन लॉ है वो बोलते हैं कि मेरे सन इन लॉ को लेग पीस मिलना चाहिए। बात समझ में आती है? हाँ सर, हमें जीजा जी वाली बात तो समझ में आती है कि लेग पीस मिलने का राइट उनको ट्रेडिशंस ने दिया। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में किसने राइट दिया, क्या राइट दिया, किसको राइट दिया, हम एक राइट इशू के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, ये राइट इशू बोलता है कि अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और कंपनी एक नया इशू लेकर आ रही है, नए शेयर्स को रेज कर रही है, नए शेयर्स की पैसा मंगवा रही है, नया इशू लेकर आ रही है, तो बोला गया कि ये नया इशू जो आ रहा है आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा, आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले राइट देना पड़ेगा कि ये शेयर्स आप अप्लाई कर दो। ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा किसने बोला? ये बोला कंपनीज एक्ट ने। एक्ट यहाँ पे मदर इन लॉ बन गई। उन्होंने बोला कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं हम उनको ये राइट दे रहे हैं, मतलब हम उनको एक पोजीशन में लेकर आ रहे हैं कि वो अपनी जो ओनरशिप है उसको प्रिजर्व कर सके। ये क्या बात हुई? अभी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है कुछ ना कुछ परसेंटेज शेयर होल्ड कर रहे होंगे, अगर नए शेयर इश्यू हुए और ये बाहर के लोगों ने अप्लाई कर लिए तो इनकी परसेंटेज ऑफ ओनरशिप डिक्रीज होगी ना, क्योंकि नए कैपिटल बेस बढ़ गया और इनके शेयर्स उतने के उतने ही हैं। बात थोड़ी थोड़ी समझ में आती है? सर हमें बात समझ में नहीं आती, हमें एग्जांपल से बात को समझाओ। ओके, एग्जांपल लेकर आते हैं। एक कंपनी है जिसके 1 लाख शेयर्स अभी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। 1 लाख शेयर्स, आप भी उसमें से एक हो, 1 लाख शेयर में आपके भी कुछ शेयर है, ठीक है, 1 लाख शेयर है। अब कंपनी कह रही है हम 10,000 न्यू इशू लेकर आ रहे हैं, न्यू इशू लेकर आ रहे हैं, हमें 10,000 शेयर्स पे और पैसा चाहिए, हम बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं। बात समझ में आती है? ठीक है, अब ये पर्टिकुलर प्रोविजन ये बोलता है कि आपको ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो 1 लाख शेयर्स होल्ड करते हैं, आपको उनको ये 10,000 शेयर्स के बारे में राइट देना कि पहले आप अप्लाई कर लो, अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तभी हम बाहर वाले लोगों से पूछेंगे। बात समझ में आती है? तो हम कह रहे हैं कि हर 10 शेयर पे एक शेयर का राइट दिया गया। ये राइट क्यों दिया गया, हम इसकी बात करते हैं। अभी राइट की बात छोड़ो, अभी के आपके पास 1,000 शेयर है इस कंपनी के, इसी एग्जांपल के अंदर आपके पास 1,000 शेयर है, तो आप कितने परसेंट कंपनी के ओनर हो, कितना परसेंट हम देखते हैं ना बेटे। 1,000 शेयर अभी आपके पास है और टोटल शेयर कंपनी के 1 लाख है, तो आप 1% कंपनी के ओनर हो। जो भी कंपनी अर्निंग करेगी उस पे 1% आपका, ठीक है। अब राइट शेयर्स, कोई नए शेयर इशू हुए, आपको बताया नहीं गया और बाहर के लोगों को ये 10,000 शेयर इशू कर दिए गए, ये 10,000 जो न्यू इशू आया ये बाहर दे दिया गया, ये बाहर के लोगों को दे दिया गया, आपसे पूछा नहीं गया, उस केस में क्या होगा? आपके शेयर 1,000 ही है और कैपिटल, न्यू शेयर कैपिटल, न्यू शेयर्स हो गए बेटे 1,10,000 और आपकी परसेंटेज होल्डिंग डिक्रीज होके 0.91% होगी, क्योंकि नए शेयर्स बाहर के लोगों को इश्यू हो गए ना, कैपिटल बेस बढ़ गया। तो ये लॉ इधर स्टेप इन करके आया कि हम कह रहे हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, लॉ कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको राइट मिलना चाहिए कि वो अपनी परसेंटेज होल्डिंग को प्रिजर्व कर सके। तो अगर आपको ये राइट दिया जाता है और आप बोलते हैं कि हाँ मैं इन शेयर्स को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आपके 1,000 शेयर पे आपको 100 का राइट दिया जाता है, ठीक है ना, 10 शेयर पे एक शेयर का राइट, तो अब आपके नए शेयर हो जाते हैं 1,100 और टोटल न्यू कैपिटल बेस, न्यू कैपिटल जो न्यू शेयर कैपिटल होती है वो होती 1,10,000 के शेयर, आपकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज प्रिजर्व हुई, अभी 1% ही रही अगर आपने राइट्स को अप्लाई कर दिया। तो ये परसेंटेज होल्डिंग को प्रिजर्व करने के लिए लॉ बीच में आई, कंपनीज एक्ट बीच में आया, उन्होंने बोला आपको राइट देना है, किसी की ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए, उसको राइट मिलना चाहिए अपनी ओनरशिप को मेंटेन करने का, ठीक है। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या क्या बातें लिखी हुई है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए कंपनीज एक्ट का गवर्न्स एनी कंपनी
पब्लिक और प्राइवेट दोनों के केस में पब्लिक और प्राइवेट डिजायरस ऑफ रेजिंग इट्स सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ फर्दर शेयर। नए शेयर लेकर आ रहे हैं भाई, नया इशू लेकर आ रहे हैं। वेन एवर अ कंपनी इंटेंड टू इशू न्यू शेयर्स द वोटिंग एंड गवर्नेंस राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मे बी डायल्यूटेड इफ दे आर नॉट अलाउड टू प्रिजर्व देम। उनकी शेयर होल्डिंग डायल्यूट हो जाएगी अगर उनको ये राइट नहीं दिया गया। इट मे हैपन बिकॉज न्यू शेयर होल्डर मे सब्सक्राइब टू द इशू शेयर कैपिटल करेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 अलाउज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू प्रिजर्व देयर पोजिशन बाय ऑफरिंग दोज न्यूली इशूड शेयर एट द फर्स्ट इंस्टेंस टू देम। सबसे पहले उनको दिया जाएगा कि ये शेयर आपके हैं, आपको राइट है, आप अप्लाई करना चाहते हो। अच्छा बेटे, राइट दिया गया, गला पकड़ के थोड़ा ना किसी को बोला गया कि आपको करना ही करना है। ये राइट दिया गया, आपकी मर्जी है, आप लो ना लो। द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर गिवन अ राइट टू सब्सक्राइब दिस शेयर इफ दे लाइक, उनको अगर पसंद आएगा तो वो ले लेंगे। हाउएवर इफ दे डू नॉट डिजायर टू सब्सक्राइब दिस शेयर दे आर गिवन इवन द राइट टू रिनाउंस इन इट्स फेवर ऑफ समवन एल्स। अब क्या बोला गया, अगर ये राइट किसी को दिया गया और वो इस राइट को एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, मतलब वो राइट शेयर नहीं लेना चाहता, तो उसको ये भी प्रोविजन डाला गया कि आप इस राइट को रिनाउंस करके किसी और को दे दो। नहीं नहीं, ये शेयर्स मेरे पड़ोसी को इशू कर दो या मेरे किसी रिलेटिव को इशू कर दो, ऐसे बात होगी। अब हम बात को रिनाउंसिएशन की बात को आगे भी करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कंपनी जब भी राइट इशू लेकर आती है, आपका एग्जिस्टिंग में मार्केट के अंदर आपका जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है 50 रुपीज पे। बात समझ में आती है? अब कंपनी जब राइट इशू नया शेयर इशू करेगी तो वो 50 के आसपास करेगी, और जनरली जो राइट नए शेयर्स इशू होते हैं वो कम प्राइस पे ही होते हैं, मतलब इससे कम वैल्यू पे इशू होंगे, तभी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अप्लाई करेंगे। अगर उनको सस्ते में शेयर देगा कोई, अगर कंपनी लेकर आ जाए हम राइट इशू लेकर आ रहे हैं 55 में, आप कहोगे मैं क्यों 55 में आपके शेयर लूं, मैं मार्केट से जाके 50 रुपीज का किसी और से ले लूंगा, मार्केट में 50 रुपीज का चल रहा है, मैं मार्केट में किसी और से ले लूंगा, मैं क्यों आप पे 55 का अप्लाई करूं। तो आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि जब भी राइट इशू आता है वो कम लेस वैल्यू पे ही आएगा जो भी मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही होगी, तभी तो लोग अप्लाई करेंगे, तो लोग अप्लाई नहीं करेंगे राइट पे। ठीक है जी, हमें बात समझ में आती है ये बात। अब हम और कुछ क्या कहते हैं इसका लॉ के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या बोला गया। एक एक्सेप्शन डाला गया कि आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट शेयर मत दो। ऊपर तो सारी चर्चा हुई कि हमें राइट शेयर देने ही देने हैं, अब क्यों एक्सेप्शन आ गया? एक्सेप्शन पढ़ो, द शेयर्स कैन बी ऑफर्ड विदाउट बीइंग ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू मत दो, प्रोवाइडेड दैट कंपनी हैज पास्ड द स्पेशल रेजोल्यूशन। SR कौन पास करेगा? शेयर होल्डर ही तो करेंगे, हमारी परमिशन ही तो ले रहे हैं। इन्होंने बोला हमारी परमिशन लेके किसी और को इशू कर दो। बात समझ में आती है? हमारी परमिशन तो लेंगे, शेयर होल्डर्स की परमिशन के बाद ही बाहर इशू होगा। ठीक है जी, ये एक्सेप्शन टाइम पास की एक्सेप्शन है। ठीक है, फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन अ फर्दर इशू। अब आप फर्दर इशू ले आए, आपने शेयर इशू कर दिया, राइट शेयर इशू कर दिया आपने, उससे आपकी बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ेगा? आपके शेयर इशू होंगे ऑब्वियसली, और साथ में आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा आएगा, यही होगा ना, ऐसे ही होता है ना। हाँ, पढ़ते हैं। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज कंटेन्ड इन द बैलेंस शीट, फर्दर इशू ऑफ शेयर इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ इक्विटी। इक्विटी बढ़ जाएगी, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल रेज करी, एज वेल एज द लिक्विड रिसोर्स, बैंक में पैसा देगा। हमने 45 का शेयर इशू किया तो 45 रुपीज बैंक में आएंगे ना। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इक्विटी इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्दर नंबर ऑफ शेयर इशूड मल्टीप्लाइड बाई इशू प्राइस। क्या ये लाइन सर हमें समझ में नहीं आई? ये लाइन में बोला गया कि कितना पैसा आएगा आपके पास, कितना मनी क्या कहता है कंपनी के अंदर फ्लो करेगा। अगर आपने 10,000 शेयर्स 45 रुपीज के इशू किए तो बेटे 4.5 लाख आएगा। इसमें यही लिखा हुआ और कोई बात नहीं लिखी हुई कि उन्होंने बोला कि जितने आपने शेयर्स इशू करे मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस। ओके, हाँ। अब हम दो तीन कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं। एक कंपनी की शेयर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, शेयर की वैल्यू किस किस तरीके से होती है। एक बोला जाता है बुक वैल्यू ऑफ शेयर, आपकी बैलेंस शीट बनी है हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर। समझ में आती है? हमने जो लैंड ले रखी है गुड़गांव के अंदर, या हमने कोई लैंड ले रखी है मुंबई के अंदर, वो जितने रुपए की हमने ले रखी थी उस पे शो कर रही है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आ रही है। कुछ भी मतलब कोई भी और असेट है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आ रही है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आ रही है। अब
वो कहता है कि आप अपनी बुक वैल्यू का शेयर निकालो, बुक वैल्यू ऑफ शेयर। तो बुक वैल्यू तो हमें समझ में आती है, हम अपने असेट्स को लिखेंगे एक जगह, उसमें से जो लाइबिलिटीज बाहर के उनको पे ऑफ करेंगे, जो बैलेंस बचा वो इक्विटी वालों का है। हम सब पढ़ते आ चुके हैं ना, नेटवर्थ के फॉर्मूले हमने बड़े सारे पढ़ रखे हैं। हमारे टोटल असेट्स जो है उसमें से, टोटल असेट्स में से जो आउटसाइड लाइबिलिटी के असेट्स है उनको लेस करो, जो बैलेंस बचा वो इक्विटी का पैसा है। ठीक है, हमें ये बात समझ में आती है। तो हमने बुक वैल्यू ऑफ शेयर बैलेंस शीट देख के निकाल दी। अब आपका दिल मानेगा कि वो जो शेयर की वैल्यू निकली वो सही निकली या नहीं निकली? आपका दिल मानेगा? सर हमारा दिल कैसे मानेगा, क्योंकि जो हमारी बुक्स के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ रही है वो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कैरी कर रहे हैं 1 करोड़ की। बट आज के टाइम पे उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की रियल वर्थ 10 करोड़ रुपीज है। मार्केट वैल्यू उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की 10 करोड़ रुपीज है। तो बुक वैल्यू ऑफ शेयर सिर्फ एक टाइम पास है कि आप बुक को देख के वैल्यू निकाल रहे हो शेयर की। वो तो कोई भी कर लेगा कि भाई कितना हमारे असेट्स हैं, आउटसाइड लाइबिलिटी को निकाल दो, जो बैलेंस पैसा बचा वो हमारा इक्विटी वालों का है। जो रियल चैलेंज है, रियल चैलेंज मार्केट प्राइस निकालना, कि मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए शेयर का। वो आप कैसे जज कर सकते हो कि या तो अभी जो असेट्स आ रहे हैं सारे के सारे उनकी मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू नहीं, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है? आप वैल्यूएशन कर रहे हो, आप वैल्यूअर्स बन गए। और इससे बड़ा वैल्यूएशन क्या होता है, इससे बड़ा एक मार्केट प्राइस का वैल्यूएशन क्या होता है? आप आज के टाइम पे टाटा मोटर्स के बारे में सोचो। टाटा मोटर्स जो इलेक्ट्रिक जो कार है, इलेक्ट्रिक कार की मार्केट को कैप्चर कर रही है, तो लोग उसके शेयर को अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में उनको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक कार की मार्केट को कैप्चर कर लेगी, फ्यूचर में अर्निंग ज्यादा होने वाली है, ये फ्यूचर में हमें ज्यादा डिविडेंड देगी, इसका शेयर में कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, इसलिए आज उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है या मार्केट वैल्यू पे लोग उसको उस तरीके से वैल्यू कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके ज्यादा पैसे कमाएगा। ऐसे ही तो वैल्यूएशन होती है, यही तो वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है। हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। बुक वैल्यू ऑफ द शेयर इज नेटवर्थ एज पर बुक्स। नेटवर्थ एज पर बुक्स दो तरीके होता है, आई होप आपको याद होगा। एक तो आप एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस करते हो, और आपकी नेटवर्थ होती है इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, जो इक्विटी का पैसा प्लस रिजर्व सरप्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, इफ देयर आर 10,000 शेयर विद अ बुक वैल्यू ऑफ 1,25,000, द बुक वैल्यू ऑफ वन शेयर विल बी, क्या आप क्वेश्चन है, 1,25,000 डिवाइड बाय 10,000, आपके पर शेयर की वैल्यू होगी 12.5 रुपीस। इजी, ये वाली बात हम नहीं करते। However, the market value may differ from the book value of share. May differ, 100% differ करती है। जो book के अंदर लिखा generally थोड़ा ना, वही हमारा market value है। The market value of a company share represent the present value of cash flows expected to be earned from the shares in form of dividend and capital gains from the expected future share price appreciation. आज की market value depend करती है कि आगे जाके कंपनी कितने प्रॉफिट्स कमाने वाली है, कितना डिविडेंड हमें देगी, और कितना इसका प्राइस एप्रिशिएट करेगा, कितना इसका प्राइस बढ़ने वाला है। टाटा मोटर्स का लोग सोच के बैठे कि प्राइस बढ़ने वाला है, इलेक्ट्रिक मार्केट का मेजर प्लेयर बन के आने वाला है 5 से 10 साल के अंदर, तो लोग टाटा मोटर्स में पैसा लगाया जा रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू को बढ़ाए जा रहे हैं। बात समझ में आती है? अब ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हो गया। अब जो आपकी मार्केट वैल्यू अब आप देख रहे हो, आपका मार्केट प्राइस फॉर एग्जांपल निकल के चल रहा है 50 रुपीज, 50 रुपीज का मार्केट प्राइस अभी चल रहा है, और कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ गई, कंपनी कह रही है हमें और पैसा चाहिए, हमें एक्सपैंड करना है। बात समझ में आती है? लॉजिकल, पैसा तो चाहिए ना। तो ये मार्केट प्राइस जो अभी चल रहा है, इसको हम कम मार्केट प्राइस बोलते हैं, कम राइट मार्केट प्राइस बोलते हैं, कम राइट। अगर आगे कोई राइट शेयर्स आएंगे, कोई राइट शेयर्स आ गए 45 रुपीस पे एक शेयर और इशू हो रहा है, 45 रुपीस पे एक शेयर और इशू हो रहा है, इस पर्टिकुलर प्राइस को हम कम राइट मार्केट प्राइस शेयर बोलते हैं। और राइट इशू होने के बाद जो शेयर की वैल्यू नहीं निकलती है उसको हम एक्स राइट मार्केट प्राइस शेयर बोलते हैं। सर ये क्या बेवकूफ वाली बात बोली, वो तो ठीक है उसके बाद तो एक्स ही होगा ना, एक्स राइट मार्केट प्राइस अगर शेयर इशू हो गए। अब इधर लॉजिकल बात करते हैं हम, आपके शेयर की मार्केट प्राइस है 50 है, और नए शेयर इशू होने वाले हैं 45 के, जो राइट शेयर लेकर आ रहे हैं वो 45 के होने वाले हैं, आपका दोनों का मिला के जो नया मार्केट प्राइस आएगा वो किसके आसपास होना चाहिए?
वो किसके आसपास होना चाहिए, क्या वो 50 का होना चाहिए, क्या वो 45 का होना चाहिए, जो बाद में मार्केट प्राइस आने वाला है, एक्स राइट मार्केट प्राइस होने वाली है, वो कितना होना चाहिए, आप खुद सोचो। सॉरी, वो मार्केट प्राइस 50 से कम होगा और 40 से ज्यादा होगा, वो मार्केट प्राइस 50 से कम होगा और 40 से ज्यादा होगा, क्योंकि आपने कुछ शेयर्स अपने डिस्काउंट पे, काइंड ऑफ 50 की मार्केट प्राइस आपकी वैल्यू चल रही है अभी, आपने 50 की मार्केट प्राइस चल रही है ना शेयर की, और आपने नए शेयर 45 के इशू कर दिए, तो ऑब्वियसली आपकी आगे जाके मार्केट प्राइस कम होने वाली है, क्योंकि आपने अभी कुछ परसेंटेज शेयर सस्ते में इशू कर दिए, 45 में इशू कर दिए। सर कंपनी 45 में ये शेयर्स को इशू क्यों कर रही है, आप ये बताओ 45 में क्यों, 50 पे क्यों नहीं? अगर 50 में राइट शेयर लेके आया जाता तो एग्जिस्टिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्यों लेते 50 का शेयर? कह रहे मार्केट के अंदर अगर 50 का मिल रहा है तो मैं कंपनी पे राइट अप्लाई करके क्यों लूंगा, मार्केट सेंसेक्स में जाके 50 का खरीद के आ जाऊंगा, मैं क्यों अप्लाई करूं? तो इसीलिए कंपनी थोड़ा सा चीप रेट में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्राइस देती है। वो ऐसा क्यों करते हैं, आप कंपनी के रिस्पेक्ट में सोचते हैं कि कंपनी सस्ते पे क्यों दे रही है, कंपनी को बड़ा सारा खर्चा सेव होता है अगर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू कर देती है। अगर वो नया शेयर्स इशू करेगी कैपिटल मार्केट में जाके तो उसको अंडरराइटर का खर्चा, क्या कहते हैं, किसी बैंक को ऑनबोर्ड करने का 100 झंझट, सेबी के अंदर डॉक्यूमेंट फाइल करो, सब कुछ करो, बड़ा सारा झंझट वाला काम करना पड़ेगा, उसके अंदर उसकी सरदर्दी बहुत और उसके एक्सपेंस बहुत होने वाले हैं, तो उससे बचने के लिए राइट इशू लाया जाता है कि जल्दी जल्दी प्रोसेस खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी हमें कैपिटल मिल जाए और थोड़ी सी हम सस्ती में इशू कर देंगे। तो आपको समझ में आनी चाहिए आपकी कैपिटल, आपकी शेयर की वैल्यू 50 थी और आपने नया शेयर इशू कर दिया, नया शेयर इशू कर दिया 45 का, आगे जाके लॉजिकली आपकी वैल्यू जो नए शेयर की आएगी वो इन दोनों की एवरेज हो जाएगी, क्योंकि 95 आपका दोनों जो नई कैपिटल हुई वो 95 हो गई, दो शेयर हो गए, हमने 1:1 का राइट बना था, तो 47.5 के अराउंड आपकी वैल्यू एवरेज हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट है राइट इशू का, हम इसका क्वेश्चन करने वाले, घबराने की बात नहीं है, पढ़ते हैं बेटे ना थ्योरेटिकली क्या लिखा। थ्योरेटिकली द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर आफ्टर राइट इशू मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन इमीडिएटली प्रायर टू राइट इशू। इन्होंने बोला जो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन प्रायर टू राइट इशू वो 50 ही है, हम एक शेयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, राइट इशू एंड द कैश इनफ्लोस जनरेटेड आफ्टर द राइट इशू। थ्योरेटिकली उन्होंने बोला कि इसका यही मतलब है कि जो पहले आपका शेयर था प्लस जितना आप नया कैश फ्लो लेके आ रहे हो उसका एवरेज हो जाएगा, यही बात बोल रहे हैं। थ्योरेटिकली द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर आफ्टर राइट इशू मस्ट बी इक्वल टू सम वैल्यू ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन प्रायर टू राइट एंड कैश इनफ्लो जनरेटेड फ्रॉम राइट, दोनों को मिला के आप एवरेज कर दोगे। नॉर्मली द फर्दर पब्लिक इशू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर ऑफर्ड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे किया जाता है फ्रॉम द मार्केट वैल्यू टू इवोक अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तभी तो वो पॉजिटिवली कहेंगे कि हाँ मैं लूंगा शेयर, मैं लूंगा, लाइन लगा के खड़े होंगे कि हाँ हम शेयर लेंगे। पॉजिटिव रिस्पॉन्स तभी आएगा जब आप शेयर्स को चीप में दोगे, उनको दिख रहा है कि 45 रुपीज का शेयर उनको मिलने वाला है, और थियोरेटिकली 45 रुपीज का शेयर लेने के बाद उसकी वैल्यू 47.5 होने वाली है, इसलिए सारे के सारे लोग राइट को अप्लाई कर देते हैं। अगर कोई राइट शेयर्स को अप्लाई नहीं करता तो वो क्या बोलेगा, अगर वो अपना राइट किसी और को दे रहा है तो वो बोलेगा देख मैं तेरे को 45 का शेयर दिलवा रहा हूँ, 45 का शेयर दिलवा रहा हूँ, और आगे जाके शेयर की वैल्यू 47 हमें दिख रही है, हमें पता चल रहा है, हम एनालिस्ट है, हमें पता चल रहा है, बाद में जाके इसकी प्राइस 47.5 हो जाएगी, तो तू मुझे अभी के अभी 2.5 रुपीज दे दे। तो ये मतलब होता है कि आपने रिनाउंस किया ना, आपने राइट अगर किसी को दिया तो आप उससे कुछ फीस चार्ज कर लोगे, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है आपने कितनी फीस ली, तो आप बोलोगे आप 2.5 रुपीज वैल्यू बढ़ने वाली शेयर की तो तू मुझे 2 रुपीज दे दे, 2.25 दे दे, कुछ भी दे दे। बट एक करोड़ों में बात होती है, हम तो अभी आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, अज्यूम 1000 शेयर्स आर इशूड मेकिंग इट अ राइट इशू ऑफ 1:10, 1000 शेयर्स आर इशूड, ठीक है जी, वन न्यू शेयर मिल रहा है हर 10 एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड पे एट अ प्राइस ऑफ 14 पर शेयर, राइट इशू का प्राइस आया गया 14, ओके,
करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 25। बड़ा ज्यादा डिस्काउंट में दे दिया, 11 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। लोग भाग रहे हैं, लोग सुबह 4 बजे से लाइन लगा के खड़े कंपनी के बाहर कि हम राइट लेंगे, हम राइट शेयर लेंगे। ठीक है, अभी हम बताते हैं नेट वर्थ ऑफ द कंपनी बिफोर राइट इशू। आपकी कंपनी की नेटवर्थ क्या है? 25 रुपीज का शेयर है और आपके पास है 10,000 शेयर, तो आपकी जो कंपनी की वैल्यू वो 2.5 लाख आ रही है। ओके ओके, इजी पॉइंट। नेट वर्थ ऑफ द कंपनी आफ्टर इशू, जो राइट इशू होगा उसमें कंपनी की नेटवर्थ कितने से बढ़ेगी? जितना नया कैश आएगा उसी तो उतनी ही तो नेटवर्थ बढ़ेगी। जितना नया कैश का इनफ्लो होगा उससे ही तो वैल्यू बढ़ेगी कंपनी की। तो हमने बोला जो नई कैपिटल इनफ्लो होने वाली है वो होने वाली है 1,000 शेयर्स पे 14 रुपीज आने वाले हैं। 14,000 से हमारी कंपनी की नेटवर्थ बढ़ने वाली है। हम देखे कितना आ रहा है। देखो बेटे, इक्विटी शेयर शैल कॉरेस्पॉन्डिंगली कमांड अ वैल्यूएशन ऑफ 264, 2.5 लाख प्लस 14,000, 2.5 लाख प्लस 14,000, जो नई कंपनी की वैल्यू नेटवर्थ थ्योरेटिकली आनी चाहिए वो 2,64,000 आनी चाहिए। अब जो नए कंपनी के शेयर्स हैं वो कितने हो गए, कितने हो गए, कितने हो गए नए कंपनी के शेयर्स कितने हो गए? पहले थे 10,000, अब हमने 1,000 का राइट इशू दे दिया, तो जो नई कंपनी के शेयर्स हैं, नए कंपनी जो न्यू शेयर्स हैं वो 11,000 है। तो थ्योरेटिकली एक्स राइट प्राइस शेयर का कितना आना चाहिए? 24 रुपीज। मैथ कर लेना बेटे, 24 रुपीज आ रहा है एक्स राइट प्राइस। इस जो करंट मार्केट प्राइस को हम कम राइट प्राइस बोलते हैं, जो बेचने के बाद राइट इशू होने के बाद जो नया प्राइस थ्योरेटिकली निकल के आता है उसको हम एक्स राइट, एक्स बेटे जो मेरी शक्ल के नीचे चला गया, एक्स राइट प्राइस बोलते हैं। ठीक है बेटे, 24 आ रहा है, ये 24 आ रहा है। देखो यहाँ पे निकाल के भी दिखा दिया, न्यू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 264, जो नया कैपिटल आपकी वैल्यू हुई, न्यू नेटवर्थ ऑफ द कंपनी और न्यू शेयर कैपिटल। जो आप सारे फॉर्मूले पढ़ के रट रट के जाते हो, आपको कोई फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के ही आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, बट वो फॉर्मूला फायदा नहीं ना, जब इतना सही से समझ में आ रहा है कि जो ऊपर कैपिटल है, पुरानी कैपिटल कितनी थी, नई कैपिटल कितने, डिवाइड बाय जो न्यू शेयर्स हो गए, पुराने शेयर्स कितने थे, नए शेयर्स कितने इशू है, उससे हम डिवाइड कर देंगे, उससे एक्स राइट वैल्यू, एक्स राइट प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, हमें समझ में आता है। हमारा कम राइट कम राइट कम राइट कम राइट प्राइस ऑफ द शेयर था 25 और हमारा एक्स राइट प्राइस ऑफ द शेयर है 24। तो आपको पूछ सकते हैं कि आपके राइट की वैल्यू क्या है। तो राइट की वैल्यू क्या होगी? कम राइट लेस एक्स राइट, 1 रुपीज। आपके राइट की वैल्यू है 1 रुपी, 1 रुपी पर शेयर आपके राइट की वैल्यू है। बात समझ में आती है? हम एक और एग्जांपल करेंगे, हम एग्जांपल के बिना हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। मिस्टर नारायण हैज 100 शेयर्स ऑफ प्रॉस्पेरस कंपनी बिफोर राइट इशू। ठीक है, करंट नेट होल्डिंग उसकी क्या है? अब उनके अगर 100 शेयर हैं और 25 रुपीज का करंट मार्केट प्राइस था, तो उनकी करंट होल्डिंग है 2500। बात समझ में आती है? अब नारायण ये राइट को एक्सरसाइज कर रहा है कि मैं कंपनी के शेयर्स को लूंगा, जो राइट इशू आया गया, जो 10:1 का राइट इशू आया था ना, 1:10 सॉरी, जो आया था वो मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, इफ नारायण एक्सरसाइज इज राइट ही विल पे 14 रुपीज देगा वो 10 शेयर पे 14 रुपीज देगा, उसने 140 रुपीज और दे दिए। उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी में कितनी होगी? 2500 प्लस 140 और उसके नए शेयर हो गए कितने? 110 100 पहले से 10 उसको नए मिल गए, तो इसकी एक्स राइट मार्केट प्राइस ये आ गई 24। ये हम ऊपर निकाल के आ चुके हैं। अगर नारायण ये राइट को एक्सरसाइज नहीं करता, नारायण अगर ये राइट को एक्सरसाइज नहीं करता तो उसके शेयर की वैल्यू कितनी हो जाती? उसके शेयर की वैल्यू 25 से 24 जाती ना, अगर वो कुछ नहीं करता तो। उसके पास 100 के 100 शेयर ही रहते, तो उसकी अब शेयर की वैल्यू 24 × 100 होगी। वो बैठे बैठे रो रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं, मैंने शेयर अप्लाई नहीं किया, मैं 25 से 24 की वैल्यू होगी शेयर की, मेरी वेल्थ की वैल्यू 2400 रहेगी, क्योंकि उसने वो 100 शेयर्स को अप्लाई नहीं किया, राइट इशू नहीं दिए। द लॉ अलाउज हिम टू कॉम्पनसेट फॉर दिस डाइल्यूशन। अब उसकी वेल्थ 100 रुपीज से कम होगी ना। द लॉ अलाउज हिम टू कॉम्पनसेट फॉर दिस डाइल्यूशन ऑफ शेयर होल्डिंग बाय रिनाउंसिंग द राइट। क्या पता उसके पास पैसे नहीं थे, कुछ लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी, तो लॉ बोलता है
कि आप इस राइट को रिनाउंस करके किसी और को दे दो कि कोई और आपके इस शेयर को अप्लाई कर ले। अब मूर्ति आ गया, मूर्ति कह रहा मैं अप्लाई करूंगा, तो नारायण कह रहे कि मेरी वेल्थ 2500 थी, अब मेरी वेल्थ 2400 रह जाएगी, तू मुझे वो 100 रुपीज दे दे, मेरी जो वेल्थ गिर रही है तू मेरे को वो 100 रुपीज दे दे और ये जो नए शेयर आ रहे हैं वो तू अप्लाई कर ले। अगर ऐसा हुआ होता तो नारायण की वेल्थ रिटेन प्रिजर्व करता कितने पे, 2500 पे, और मूर्ति को नया शेयर कितने रुपए पे मिलता, मूर्ति को मिलता 100 शेयर मिलते 14 रुपीज पे, वो 140 रुपीज देता, प्लस 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 उसने 100 रुपीज नारायण को भी तो दिए, तो उसने 2240 रुपीज दे दिए और उसको शेयर्स मिले 10, तो उसको एक शेयर की वैल्यू कितनी पड़ी, 24। यही तो एक्स राइट प्राइस है, मूर्ति को कोई फर्क नहीं पड़ा, मूर्ति कह रहा हाँ कोई नहीं बाद में भी 24 का मिलना, तू 24 से मेरे से ले ले, तू 100 रुपीज मेरे से ले ले, मैं 140 रुपीज कंपनी को दे दूंगा। बात आपको समझ में आती है, हम इसको पढ़े, द लॉ अलाउज हिम टू कॉम्पनसेट फॉर द डाइल्यूशन ऑफ शेयर होल्डिंग बाय रिनाउंसिंग दिस राइट इन फेवर ऑफ से मिस्टर मूर्ति। नारायण कैन चार्ज मूर्ति इन अ वेल फंक्शनिंग कैपिटल मार्केट दिस डाइल्यूशन ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपीज तक चार्ज कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करते हैं बेटा आपकी कैसे नेगोशिएशन है, क्या पता मूर्ति का 50 लेना है तो बात कर, 60 लेना है तो बात कर, 70 पे बात को डन करें, मूर्ति और नारायण के बीच की वो बात है, ठीक है, बट वेल फंक्शनिंग मार्केट में आप 100 तक मान सकते हो, ठीक है, बाय रिनाउंसिंग हिज राइट टू एक्वायर 10 शेयर, हेंस मूर्ति विल चार्ज 10 पर शेयर इन रिटर्न फॉर अ कंफर्म्ड अलॉटमेंट ऑफ 10 शेयर ऑफ 40। वो 100 रुपीज ले लेगा उससे, उसको कंफर्मेशन किस चीज की मिली कि उसको 10 शेयर दिए जाएंगे 14 रुपीज के, क्योंकि कंपनी उनको देगी। अभी हमें बात समझ में आती है, मूर्ति की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 140 उसने कंपनी को दिए, 10 शेयर्स पे 14 रुपीज उसने कंपनी को दिए और 100 रुपीज उसने नारायण को दे दिए, तो उसने 240 रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर दी और उसको 10 शेयर मिले जिनकी वैल्यू 24 ही है, ठीक है जी। हाँ ये सारा थियोरेटिकल है, एक्चुअल में बेटे 23, क्या पता उसने 90 रुपीज दिए, क्या पता उसने 80 रुपीज दिए, कुछ भी हो सकता है। और नारायण के पास क्या है, नारायण विल हैव अ फाइनल होल्डिंग ऑफ 10 शेयर वर्थ 2400, उसके पास 2400 एक्स राइट वैल्यू कम होगी ना, तो उसके शेयर की वैल्यू 2400 पे गिर गई, 2500 से 2400 पे गिर गई और 100 रुपीज उसने मूर्ति से ले लिए जो गिर रहे थे, 100 बाय वे ऑफ वैल्यू ऑफ राइट रिसीव फ्रॉम मूर्ति, ठीक है, हमें बात समझ में आती है। इसको हम बात करते हैं फॉर्मूलास के बारे में, वैल्यू ऑफ राइट क्या होता है, कम राइट प्राइस ऑफ द शेयर 25, लेस एक्स राइट प्राइस ऑफ द शेयर 24, वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर इज 1 रुपी। ऊपर के केस के अंदर 100 शेयर थे, 100 शेयर पे राइट दिया गया था उसको 10 अप्लाई करने का, तो 100 शेयर पे आपको 1 रुपए का राइटर राइट पर शेयर, तो ऊपर 100 रुपीज की वैल्यू आई थी पूरे राइट की वैल्यू, ये राइट 1 रुपी पर शेयर है और पूरे राइट की वैल्यू 100 शेयर से नारायण के पास इंटू 1 रुपीज 100। वाओ, एक्स राइट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको जरूरत तो नहीं पढ़नी चाहिए बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, कम राइट मार्केट प्राइस, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, जो हमारे कम राइट प्राइस है, कम राइट प्राइस से हम इंटू करेंगे जो भी हमारे शेयर थे, राइट शेयर इंटू इशू प्राइस, राइट शेयर हमारे 40 कितने, राइट शेयर हमारे 10 थे सॉरी, और इशू प्राइस हमारा 14, और नीचे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स थे 25 और न्यू नंबर, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स थे कितने 100 और न्यू नंबर ऑफ शेयर्स थे 10। आपको बात समझ में आती है, तो ये एक्स राइट प्राइस निकल के आएगा, ऊपर आएगा 2640 और नीचे आएगा 110, तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो 24 निकल के आएगी। ऊपर वाला क्वेश्चन यहीं पे नीचे रिपीट करते हैं सर, आपको फॉर्मूले बताने के लिए, फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी एक और बात हम बात करते हैं, ये जो रिनाउंसिएशन की बात करती है कि आप अपने राइट्स को रिनाउंस कर सकते हो, किसी और को दे सकते हो, कभी कभी कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मना कर सकती है कि हम आपको ये राइट ही नहीं दे रहे रिनाउंस करने का, आप ही अप्लाई करो, हम नहीं चाहते कि कोई और बाहर की पार्टी हमारी कंपनी की मेंबर बने, हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट दे रहे, तो ऐसा AOA में मना किया जा सकता है, आपको सिर्फ मैं बता रहा था, ठीक है। हम अकाउंटिंग करें, अकाउंटिंग एंट्रीज हम बचपन से करते आ रहे हैं, अब जब आपने राइट इशू शेयर्स दे दिए क्या होगा, बैंक में पैसा आया, बैंक में 14 रुपीज आए, बैंक में 14 रुपीज आए, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरली जो नॉमिनल रेट होता है इक्विटी शेयर का वो 10 रुपीज होता है,
और बाकी के 4 रुपीज किधर चले गए? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बात समझ में आती है? बात समझ। यहाँ पे 25-24 का कोई लेना देना, क्योंकि वो मार्केट की बात चल रही है, बुक में थोड़ा ना मार्केट वैल्यू लिखते हैं। हमने कहा 14 रुपीज वहां पर आए, हमारे इक्विटी शेयर की नॉमिनल वैल्यू थी 10 रुपीज और 4 रुपीज हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया। एग्जाम्पल देखते हैं। अ कंपनी हैविंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एज इट इज इश्यूड शेयर कैपिटल एंड हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ 46, ग्रेट, 10 रुपीज के शेयर को वो 46 पे लेके जा चुके हैं। इश्यूज राइट शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:10 एट अ प्राइस ऑफ 31। नया जो राइट इश्यू लाया गया वो 31 रुपीज पे लाया गया, ग्रेट, वेरी गुड। द एंट्री एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन, क्वेश्चन को बहुत ही इजी कर दिया गया, एंट्री पूछ ली गई। हमें बताते हैं कि आप एक्स राइट प्राइस निकालो, कुछ वैल्यू ऑफ राइट निकालो, तो मजा भी आता। इसमें क्या हम करें, हमें तो ये इजी लगा, बैंक के अंदर पैसा आएगा 31 रुपीज के हिसाब से, जो हमारे को 10,000 शेयर इश्यू होंगे तो कितने हो गए, 3,10,000, इजी, जो आपके इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। बेटे 10 रुपीज ईच का शेयर लिखा हुआ ना, तो कितने आपके शेयर है, 10,000 × 10, 1,10,000, और बैलेंस आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, बैलेंस आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है 10,000 शेयर पे 21 रुपीज। इजी पॉइंट। इसका राइट की वैल्यू एक्स राइट प्राइस आप निकालो, होमवर्क है। एक्स राइट आपको निकालना है, किसका एक्स राइट क्या होना चाहिए, राइट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पर शेयर राइट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और पूरे राइट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपका होमवर्क है। आप मुझे ऐप पे मैसेज करो कि सर ये निकाला, हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। तो आज की चर्चा को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, राइट इश्यू आपका कंप्लीट होता है। बाय बाय।